देखें जी। वहाँ पे सूप की तैयारी हो रही है, यहाँ पे पक रहा है, ठीक है। नहीं जी ये देखें, ये मेरे घर के बाहर इस टाइम माहौल है, तो बहुत लोग आए हुए हैं, बड़ा मज़े वाला माहौल बना हुआ है, ठीक है। और जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वो ये मेरे पीछे, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वो बिल्डिंग है, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, सारा घूमते हैं लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा आप देखें, आज 1 मई छुट्टी का दिन है, लेबर डे है, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पर बंद है, ट्रेन्स बंद हैं, बसेस बंद हैं, लेकिन ये लोग जुगाड़ लगा के किसी न किसी तरीके से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखें कितनी आवाम आई हुई है यहाँ पे। आपको मैंने जैसे बताया कि ये बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, बैक साइड पे, ठीक है। तो ये रेजिडेंस एरिया है, तो ठीक है, कोई इतना कोई टूरिस्ट वाली जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो सिस्टम चल रहा है ज़बरदस्त सा, ठीक है। ये देखें, ये मैं घर के बाहर निकला हूँ तो लोग इस तरह ना साइकिलों पे भी आए हुए हैं, बड़ी बड़ी दूर से। ये देखें, ये जंगले के साथ उन्होंने साइकिलें लगाई हुई हैं, इसी तरह किसी ना किसी तरह इन्होंने जुगाड़ लगा के ना ये लोग मस्ती करने, फन करने पहुँच जाते हैं। आप इनकी साइकिलें भी देखें, ये साइकिल चेक करें, ये वैसे तो ढांचा सा लग रहा है लेकिन है बहुत महंगी। ये देखें ज़रा, आवाम ही आवाम है जी। तो जी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आज 1 मई है और आप माहौल देख लें, यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, सूप फेस्टिवल, और बारिश हो रही है, सीन जरा जबरदस्त बना हुआ है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ना इस तरह स्टॉल लगे हुए हैं तो सूप वगैरह दे रहे हैं। ले जी ये बाजी भी कह रही है आके सूप टेस्ट कर लो, असी तो नहीं कर दे भाई। ये देखें जी, इनके सूप का कलर चेक करें जरा, चेक करें जरा, ये पता नहीं किस तरह का सूप है, इसीलिए हम चेक नहीं कर रहे। इस टाइम हम स्टॉल्स के बीच में हैं और माहौल बड़ा मजे का बना हुआ है। ये देखें सूप टेस्ट कर रहे हैं। ला जी मस्ती हो रही है। आप देखें बारिश का माहौल, बारिश भी बड़ी जोरों शोर से हो रही है और लोग जो हैं बारिश में भी मजे कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे यहीं पे हैं। हमारा तो घर साइड पे है तो हम थोड़ी देर के लिए घर में चले जाएंगे, ताकि जैसे ही मौसम कुछ बेहतर होगा तो फिर आके हम फेस्टिवल देखेंगे। ले जी हम तो भीग के थोड़ा सा घर के अंदर आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि साथ ही घर है, लेकिन वो देखें बाहर उसी तरह माहौल मस्ती चल रही है, बारिश में भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो लें जी बारिश ख़त्म हो लें फिर दोबारा निकलेंगे और लोगों का हाल देखेंगे, बारिश की वजह से सारे भीगे होंगे, तो देखते हैं फेस्टिवल कैसा लगता है और कैसा चल रहा है। तो जी बारिश तो ख़त्म हो गई है लेकिन लोगों का जोश वैसे ही है, पीछे भाई साहब कुछ चला रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये देखें ज़रा क्या चल रहा है इधर, कुछ थोड़ा बहुत हम भी देखें ज़रा। इधर भाई साहब ने 3 डब्बों से ही माहौल बना लिया है, अपने गिर्द गिर्द आवाम को इकट्ठा कर लिया है। ये देखें जी दूर दूर तक ये फेस्टिवल जो है ना रंगारंग भरा हुआ है, सूप फ्री है तो हर कोई सूप लाजमी टेस्ट कर रहा है। नहीं जी ये फेस्टिवल 1 मई का फेस्टिवल है और ये लिल के इलाके वजम में होता है, ठीक है, और सबकी जो एंट्री है वो फ्री है। सूप आप इंजॉय करें, खाने के स्टॉल्स हैं, डिस्को सिस्को है, कंसर्ट है, तो मज़े करें। तो जी इस फेस्टिवल का जो नाम है वो है फेस्टिवल इंटरनेशनल दिला सूप, सूप का फेस्टिवल है बेसिकली। आपको हर स्टॉल पे डिफरेंट किस्म का सूप मिलेगा और वो आप वैसे ही टेस्ट कर सकते हैं। ये देखें जी वहाँ पे सूप की तैयारी हो रही है, यहाँ पे पक रहा है, ठीक है। तो हम भी अभी जाके लेते हैं सूप, पीना नहीं हमने, वैसे ही लेंगे, हम भी जाके सूप लेते हैं जरा देखते हैं।
मैसी बुक में थे। ले जी हमारी बारी आ गई है, ठीक है, हमने पीना नहीं है वैसे लिया है मैसी। मैंने भी सूट ले लिया है लेकिन पीना नहीं है हमने, पता नहीं क्या गया इसमें। देखें जिसने पीना है वो आके अपना ग्लास आके कर दे और सूप इंजॉय करे। तो जी ये फेस्टिवल तकरीबन 3 बजे से शुरू हुआ है, इस टाइम यहाँ पे 4:30 का टाइम है और ये कुतुबखाना रात 10 बजे तक रात चलते ही रहना है। कुतुबखाना कह तो दिता है लेकिन असि भी इन्हें बेची है गए हैं। ये देखें जी ये ड्रिंक का स्टॉल, इस टाइम लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं और इनका तो ये काम ही है। ये देखें जी इंसानों और कुत्तों में यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कुत्ते भी एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल में, आपको दिखाते हैं डिफरेंट जगह पे आपको दिखाते हैं, इस तरह कुत्ते भी साथ लेकर आए हुए हैं लोगों में। ये देखें जी फिर कुत्ते ही कुत्ते, ठीक है, और इधर मुझे एक और नजर आया था वो गायब हो गया। ये देखें जी कुत्तों की भी नस्लें चेक करनी हो ना तो इस तरह आप फेस्टिवल्स में आ जाएं तो आपको बड़े बड़े जबरदस्त कुत्ते नजर आएंगे। फेस्टिवल में जी म्यूजिक भी चल रहा है, पीछे कॉन्सर्ट भी हो रहा है मजे वाला, लोग क्यों ना आए, इनको तो एंजॉय करने का मौका चाहिए। तो जैसे जैसे शाम होती जाएगी रात होती जाएगी ये मेला और सजता जाएगा। थोड़ा पास चाल के देखते हैं और आपको दिखाते हैं ये क्या डिस्को शिस्को लगा हुआ है। एक और मस्ती वाला दिन देखते हैं और आपको तो दिखाते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये देखें जी इस तरह काफी स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के, ठीक है, तो फेस्टिवल के साथ साथ खाने के स्टॉल, तो सीन ऑन है, सिस्टम चल रहा है मजे वाला, लोग खाना भी एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल भी एंजॉय कर रहे हैं और सूप तो वैसे ही फ्री में है। जी आप मेरे पीछे देखें लाइव ट्रांसमिशन चल रही है रेडियो कैंपस वालों की। ये देखें जी इस टाइम लाइव चल रहा है रेडियो। तो जी मस्ती का सीन चल रहा है अभी तक, पहले एक बैंड ने परफॉर्म किया है अब दूसरा बैंड आया है, इसी तरह डिफरेंट बैंड आके यहाँ पे परफॉर्म करते रहेंगे। ये देखें अब दूसरा बैंड आके अपनी सेटिंग कर रहा है। ये देखें जी लोगों का रश चेक करें। ये भाई भी कुछ बांट रहा है, हम भी जाके अपना हिस्सा लेते हैं अगर हमें मिल गया तो। सिल्वू प्ले मैक्सी। अच्छा तो ये आप देखें यहाँ पे ना ब्रेड बन रही थी, ठीक है, फ्रेश, हमने भी अपना हिस्सा ले लिया है। ये भी सही है, कहीं भी बीच में स्पीकर रखो और मस्ती शुरू कर दो, इसी तरह यहाँ पे भी चल रहा है। ले 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 आयशे तो बोले तेरे मन।
ऐसा लग रहा है कि फिर फेस्टिवल मजा आ रहा है ना, एंजॉय करें आप भी। आज तो जिसको देखो कोई ना कोई दो चार बैंड बाजे लेके बाहर आया हुआ है। आप एक चीज देखें कि इस तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में इनका कितना पैसा लगता है, ठीक है। इन्होंने हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया होता है, तो कैसे ये लोगों को गैदरिंग करने का मौका देते हैं और कैसे लोग फन और मस्ती करते हैं। बेसिकली इनका मकसद ये भी होता है, अपने सिटी को, अपने कंट्री को प्रमोट करते हैं, जिससे टूरिस्ट इनके सिटी में आता है तो इनका भी जो टूरिज्म है उससे इनकी काफ़ी अर्निंग होती है। अच्छा, जो बारिश का सिलसिला है ना वो भी वक्फे वक्फे से चल रहा है, ठीक है। कभी स्टार्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, तो लेकिन लोग मस्ती मौज कर रहे हैं बारिश में भी। देखें, मैं अभी घर से बाहर निकला था तो फिर ज़बरदस्त दोबारा बारिश हो गई है। कोई नहीं, खैर ही है, आज हम भी इनके साथ भीगे भीगे मौसम में इंजॉय करेंगे। ये देखें जी, बार में भी छोटा सा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें जी, ड्रिंक्स वगैरह लोग आ रहे हैं और ले रहे हैं। इसी तरह बाहर भी चल रहा है इसी तरह का सिस्टम। फिलहाल हम अभी बाहर चले जाएंगे, हम तो वैसे बारिश की वजह से अंदर आए थे, ठीक है, तो अभी हम यहाँ से चले जाएंगे। रश यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है अभी जी। बाहर तो बारिश का माहौल चल रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है, उतनी देर हम यहीं पे वेट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे भी मस्ती शस्ती यहाँ पे भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे के अंडर रूफ चल रही है तो इधर एक अपना मज़ा है। तो आज ही जिनकी इस एरिए में शॉप्स हैं, बार्स हैं, उनकी अच्छी दिहाड़ी लग रही है आज। हर जगह पे रश ठीक ठाक है। आज आप देखें इस पूरे एरिए में ना, हर जगह पे, जिस साइड पे मैं जा रहा हूँ, बहुत रश है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड है जहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे संडे का बाज़ार लगता है और आज ये बिल्कुल पार्किंग से भरा हुआ है। तो जिन लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, मेरा व्लॉग लाजमी देखें, फ्रांस का संडे बाज़ार, लिल का संडे बाज़ार, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, तो लाजमी देखें वो भी। तो जी ये थी आज के दिन की एक्टिविटी, 1 मई का दिन, छुट्टी का दिन, कैसे इन्होंने माहौल बना दिया। तो इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं आज कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा 7-8 दिनों बाद। मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।